नमस्कार दोस्तों, द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी फिर से आपको एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको पर्यावरण से संबंधित दो वॉल्यूम दिया था, लास्ट वीडियो तीसरा वॉल्यूम आपको दे रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद होगा। आइए हम लोग देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण से आपको एक जैव विविधता जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि क्या होता है कि एक ही स्थान पर बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधों की विविधता होनी चाहिए। जैव माने जीव और विविधता माने डिफरेंस होता है, यानी जीवों की विविधता से रिलेटेड है। ये जरूरी है क्योंकि इस इकोलॉजी सिस्टम में अगर एक भी जीव अगर ज़्यादा हो गया या नष्ट हो गया तो पूरी इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर टिड्डे मान लीजिए ज़्यादा बढ़ गए, कीट पतंगे ज़्यादा बढ़ गए और मेंढक डेड हो गए तो पूरी जगह जो है क्या होता है कीट पतंगों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इस पारिस्थितिकी तंत्र में हर जीव का अपना महत्व है। आइए देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे सीधे गर्मी पड़ती है और खूब वर्षा होती है। खूब वर्षा होने से ट्रॉपिकल रीजन में क्या होते हैं पेड़ पौधे जीव जंतुओं के डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, इसी को कहते हैं जैव विविधता। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता आपकी साइलेंट वैली है जो केरल में पाई जाती है। एक होता है हॉट स्पॉट। क्या है इस शब्द हॉट स्पॉट शब्द? सबसे पहले सिल्विया अर्ल ने दिया था, यूएस का एक साइंटिस्ट था, यूएस साइंटिस्ट सिल्विया अर्ल ने दिया था हॉट स्पॉट को। हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? उच्च मात्रा में जैव विविधता। हॉट स्पॉट का मतलब होता है अधिक मात्रा में, उच्च मात्रा में जैव विविधता। भारत में चार है, सुंडालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला हॉट स्पॉट। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का पहला हॉट स्पॉट कौन है तो सुंडालैंड यानी ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालयन क्षेत्र और इंडो वर्मा क्षेत्र ये चार भारत में पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि फिर इन जैव विविधता के संबंध में जो विविधता है वो कहाँ से नष्ट हो रही है, कैसे उसको बचा लिया जाए, कैसे इसका प्रयास किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में जो हुआ था उससे रिलेटेड है। हम 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में के बाद कार्टागेना प्रोटोकॉल जो कोलंबिया में है, क्वेश्चन पूछेगा कार्टागेना कहाँ है? कोलंबिया में है। नगोया प्रोटोकॉल कहाँ है? जापान में। एक बार अभी नेट में पूछा था कि नगोया कहाँ पे स्थित है तो नगोया जो प्रोटोकॉल है वो जापान में स्थित है। नगोया स्थान जापान में स्थित है, वहाँ पर एक जैव विविधता से संबंधित प्रोटोकॉल हुआ जिससे हम जैव विविधता को कैसे सुरक्षित किया जाए। अगर ये जीव जंतु जो स्पीसीज है नष्ट हो रहे हैं उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, इसे कहते हैं रेड डाटा बुक। आपके रेलवे में पूछा था या एसएससी में पूछा था रेड डाटा बुक क्या है, तो रेड डाटा बुक जो है संकटापन स्पीसीज को जो है नोट करते हैं। इंपॉर्टेंट है संकटापन स्पीसीज को नोट करने के लिए रेड डाटा बुक का उपयोग किया जाता है। रामसर सम्मेलन क्या है? व्हाट इज रामसर कॉन्फ्रेंस? रामसर सर्फ कॉन्फ्रेंस 1997 ईस्वी में ईरान में हुआ था। रामसर कहाँ है? ईरान में है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। रामसर सम्मेलन जो है आर्द्रभूमि से संबंधित है, वेटलैंड से संबंधित है। सर्वाधिक संख्या वेटलैंड की यूनाइटेड किंगडम में है। फिर से देखते हैं, आगे देखते हैं एसिड रेन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे एसएससी, ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया, एसएससी है, रेलवे है, सभी कंपटीशन में पूछते रहते हैं कि एसिड रेन में क्या है। सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में डीएसएसएसबी में पूछा था कि ताजमहल के ऊपर जो ब्लैक है वो किसके कारण हो रहा है, तो इसी सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो पानी के साथ क्रिया करके एसिड बनाते हैं और जो क्या होते हैं आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर मुख्यतः पूछ लिया जाए, मेन पूछ लिया जाए तो सल्फर के ऑक्साइड हो गए क्योंकि सल्फर के ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके H2SO4 बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जब ताजमहल के ऊपर पड़ रहा है तो वो क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका था कि एसिड रेन में सल्फर के कंपाउंड मुख्य होते हैं, मेन होते हैं। कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कार्बन का व्यापार कैसे करते हैं? कार्बन किसका मात्रक होता है? यूनिट। एक यूनिट बराबर होता है एक टन के।
यदि किस विकास विकसित देश खुद ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम नहीं करते हैं तो वो विकासशील देशों से खरीद सकते हैं। इसी को कहते हैं हम कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग का कार्बन का व्यापार करना, जो विकसित कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पे कार्बन की मात्रा अधिक उत्सर्जन हो रही है। आपको दूसरे वीडियो में बताए थे कि ये एटमॉस्फेयर क्यों प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, विकसित देश जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस का जो है मात्रा बढ़ा दिए। तो ये कहता है कार्बन ट्रेडिंग कि अगर आप विकसित देश अगर अपने यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन कम नहीं कर पा रहे हैं तो विकासशील देशों से पैसा देकर के कार्बन खरीद लेंगे और कहेंगे कि हम कार्बन के सुरक्षित हैं। भारत में DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को आपको इस कार्बन ट्रेडिंग का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। आइए फिर देखते हैं कि कार्बन सिंक क्या है। कार्बन सिंक, सिंक माने जमना, तो कार्बन सिंक का मतलब क्या है? प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से कार्बन का कार्बनिक यौगिक के रूप में अनिश्चित काल तक भंडारण कार्बन सिंक कहलाता है। जो कार्बन के कंपाउंड है उनको कार्बनिक यौगिक के रूप में बहुत लंबे समय तक जब हम भंडारण कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं हम कार्बन सिंक कहते हैं। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन क्या है? कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, सिक्विट्रेशन क्या है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को एक निश्चित समय में भंडारण करने की विधि है। यह एक मेथड है जिससे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को लंबे समय तक हम भंडारित कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर आपको बताए थे कि यह ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। एक क्वेश्चन यह है, ओजोन लेयर सबसे पहले कहाँ देखा गया था? यह भी क्वेश्चन है। अंटार्कटिका पर सबसे पहले फार्मैन नामक साइंटिस्ट ने 1973 ईस्वी में देखा था। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन के रेलवे है, SSC है, सब में पूछता है कि अंटार्कटिका में जो छेद हुआ था वो सबसे पहले, सॉरी, ओजोन में जो छेद हुआ था वो कहाँ से देखा गया? अंटार्कटिका में देखा गया कि ओजोन पे छेद हुआ है। 1973 ईस्वी में फार्मैन द्वारा अंटार्कटिका पर पहले ओजोन गैस में छेद देखा गया। इसके ओजोन लेयर के छेद करने का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रेलवे SSC और आपके NTPC में पूछेगा कि जो ओजोन लेयर है उसमें छेद किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका एयर कंडीशन जो चलाते हैं, फ्रिज है, कूलर है, फ्रिज है, एयर कंडीशन है, जो ये सब चलाते हैं, इसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होती है। इसके बचाव के लिए विश्व स्तर पर क्या व्यवस्था किए गए हैं? इसके बचाव के लिए विश्व स्तर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लागू हुआ, जो कनाडा में है। पूछेगा मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पे है? कनाडा में है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन लेयर के क्षरण से संबंधित है। फिर देखते हैं 1988 ईस्वी में उसी के बाद वीना कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें ओजोन लेयर पे सुरक्षित कैसे किया जाए इसके बारे में बताया गया। हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिर है आपके रेलवे में पूछेगा SSC में, और आपके पूछने वाला क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस, हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस, और हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तीनों डेट बेटा याद रखना, तीनों पूछेगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। फिर देखते हैं एक शब्द आता है इन सीटू और एक सीटू क्या है। इन सीटू जहाँ शब्द रहता है उसका मतलब है कि जो जैव विविधता है उसी स्थान पर सुरक्षित रहना। जिस स्थान पर हैं, जिस स्थान पर हैं, उसी स्थान पर अगर जीव जंतु स्पीसीज को सुरक्षित रखेंगे तो उसे हम कहते हैं इन सीटू। इन माने अंदर होता है और एक्स माने बाहर होता है। एक सीटू जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के उसे सुरक्षित रखते हैं तो उसे कहते हैं एक्स सीटू। एक्स माने बाहर और इन माने अंदर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता हुआ, ओजोन लेयर हुआ, पर्यावरण हुआ, इनसे संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हम लोगों ने देखा, जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन में पूछते रहते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे। आप भी लाभ उठाइए और कंपटीशन को क्वालिफाई करिए। थैंक यू, धन्यवाद।